श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान भक्त होते हैं प्रभु के, उनके अंदर सात्विकता का इतना जबरदस्त बल होता है कि भूत प्रेत जो अधम योनियां होती हैं वह इनके निकट नहीं आना चाहती हैं, और कभी आती हैं तो अपने उद्धार के लिए आती हैं, सताने के लिए नहीं आ सकती हैं, क्योंकि पूर्ण सत्वगुण में जो महान शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, उसके ऊपर तमोगुण असर कर नहीं पाता है। जिन महाराज जी की चरितावली आप सुन रहे थे, प्रभुपाद प्राण गोपाल स्वामी, मैंने उनको संत प्राण गोपाल जी कहा है, क्योंकि वो एक गोस्वामी होते हुए सचमुच संत ही थे, तो इसलिए मैंने उनको ऐसा कहा। वैसे उनका नाम प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी। तो आप सुन रहे थे कि एक बार किसी उच्च पदाधिकारी दाम्भिक व्यक्ति ने बेकार के प्रश्न कर करके भक्तों के आनंद में बाधा डाली थी, तो उन्होंने कड़ाई से कह दिया था कि चुप रहो, तो बिल्कुल गूंगा हो गया था। फिर उनकी कृपा से, उनकी माला के स्पर्श से फिर वाणी खुली थी। अब मैं आपको उनका सात्विकता की शक्ति आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार ये प्रभुपाद जो प्राण गोपाल जी थे, ये फतेहाबाद में भागवत पाठ करने के लिए गए थे, और उस समय निकट के मेकल ग्राम में एक घटना घटी। वहां गोविंद साहा नाम के एक धनी व्यक्ति थे, उनके घर के बाहर उनके पूर्वजों का स्थापित एक मंदिर था, और उसकी सेवा पूजा का व्यवस्था का कार्य ठीक नहीं था। पूर्वज लोग चले गए थे महाराज भगवान को छोड़कर मंदिर में, श्री विग्रह को ही छोड़ गए, और इसलिए केवल कर्तव्य बुद्धि से उनकी उल्टी सीधी सेवा कर दी जाती थी। कोई प्रेम नहीं उनसे करता था, कोई भक्ति का रिश्ता नहीं था, और उसके आसपास एक प्रेतात्मा को चलते फिरते लोग देख लेते थे अक्सर। तो एक दिन संध्या समय गोविंद शाह ने एक पड़ोसी की चीख सुनी, और वे भाग करके गए उसके पास, तो उसने कहा, मैंने देखा कि एक छाया मूर्ति ने उल्टे पांव मंदिर में प्रवेश किया, और उसके प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो गोविंद बाबू अवाक चकित हो गए, साहस कर उन्होंने प्रेत से पूछा, आप कौन है, क्यों मेरे घर के आसपास फिरते रहते हैं? तो प्रेत ने मंदिर के भीतर से विकृत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि साफ आवाज उसकी नहीं निकल सकती थी, फिर भी आवाज समझ में आई। उसने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व पुरुषों में से ही एक हूं, और श्री विग्रह की सेवा पूजा की माया के कारण यहां से छोड़कर जा नहीं रहा हूं। सुनो, तुम्हारे लिए एक सुंदर समाचार लाया हूं। फतेहाबाद में प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी आए हैं, तुम उनसे दीक्षा लेकर के मनुष्य जन्म सफल करो, और उनका अधरामृत लेकर के मेरे नाम से निवेदन करो। गोविंद बाबू ने ऐसा ही किया। उसके बाद से प्रेतात्मा को वहां पर कभी नहीं देखा गया। ऐसी शक्ति थी इन भक्त में, प्राण गोपाल जी में, और प्रभुपाद के पांडित्य और भागवत पाठ से प्रभावित होकर के भारत की पंडित मंडली ने उन्हें सिद्धांत रत्न की उपाधि दी। सर आशुतोष ने उन्हें भारत विख्यात भक्ति शास्त्र व्याख्याता की उपाधि से विभूषित किया। ये उपाधि दी गई उनको, सर आशुतोष ने दिया, भारत विख्यात भक्ति शास्त्र विख्याता व्याख्याता। और एक बार जब प्रभुपाद कासिम बाजार के राज श्रीयुक्त नंदी महाशय की राजबाड़ी में पाठ कर रहे थे,
रात्रि में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने स्वप्न में खेतुड़ी में पाठ का निमंत्रण दे करके उन्हें और भी महिमा मंडित किया। पूर्व बंगाल का सबसे बड़ा हित प्रभुपाद ने ये किया कि वहां छाए हुए कुछ उप संप्रदायों के राहु ग्रास से उन्हें मुक्त कर दिया। उन संप्रदायों के जो लोग थे वो रूप सनातन के नाम की दुहाई देते थे पर उनके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करते थे। वो प्रभुपाद के विरुद्ध उन लोगों ने बाण निक्षेप करके उनका जीवन समाप्त कर देने की चेष्टा की पर उनकी दैवी शक्ति के आगे उनके नहीं चल पाए, नहीं तो वो लोग तो प्रभुपाद प्राण गोपाल को ही मार देते महाराज। ऐसे पतित जीव थे और अपने को बताते थे इतने महापुरुष का अनुयायी, रूप सनातन का अनुयायी बताते थे जबकि थे नहीं। अपनी इज्जत के लिए बताते थे, पाठादि द्वारा परहित में संलग्न रहते हुए भी प्रभुपाद का अपना भजन साधन निर्विघ्न चलता रहा। वे रात्रि 3 बजे उठते, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर एक आसन पर बैठ जाते और महाराज बैठ करके लीला स्मरण के साथ 1,00,000 नाम जप करते। आहनिक आदि जो नियम था वो समापन करने के बाद भक्त के मुख से श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ सुनते। हर किसी से पाठ नहीं सुनते थे, कोई भगवान का भक्त हो उसी से सुनते थे। और बाल भोग प्रसाद लेने के बाद भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करते, मध्यान्ह में भोजन करके 1 घंटा विश्राम केवल करते थे, उसके पश्चात ग्रंथ देखते या ग्रंथों को प्रणयन करते, खुद लिखते भी थे। और संध्या समय भक्तों की सभा में भक्ति ग्रंथों की व्याख्या करते, उसके पश्चात फिर भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी करते, रात्रि में किंचित प्रसाद ग्रहण करके लीला स्मरण करते करते विश्राम के लिए शैया पर लेट जाते। प्रभुपाद के कुछ सेवक रात्रि में बारी बारी से जग करके उनके पंखे आदि की सेवा करते। वे नहीं समझ पाते कि प्रभुपाद रात भर सोते हैं या जगते हैं, क्योंकि प्रभुपाद रात भर सोते हैं या जगते हैं उनके समझ में आना भी नहीं था। वो तंद्रा की इसी अवस्था में अक्सर कुछ कहते सुनते रहते थे जिससे समझ में आता था कि लीला दर्शन कर रहे हैं। उन्हें एक बार कहते सुना गया, अरे मेरा पंखा दे। महाराज अब देखो एक गोपी वाली बात आ गई, उनके मुख से आवाज निकल पड़ी, अरे मेरा पंखा दे, देखती नहीं प्राणेश्वर प्राणेश्वरी पसीने से तारा बोर हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ भक्तों की वो राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और राधा कृष्ण को पंखा झल रहे थे और अचानक उनका पंखा गायब हो गया था। ये स्वाभाविक था उस तरह से बोलना क्योंकि उन्हें सिद्ध प्रणाली के अनुसार गुरुदेव से पंखे की सेवा मिल गई थी, इसीलिए तो पंखा के लिए आतुर हो गए कि मेरा पंखा कहाँ चला गया और युगल सरकार उस तरह पसीने सराबोर हो रहे हैं। ऐसा उनको दर्शन हो रहा था। प्रभुपाद लीला स्मरण में सिद्ध थे, ये प्रमाणित होता है ब्रज के महान भक्तों के चरित्र में। एक कामिनी कुमार घोष हुए, वो कहते थे कि प्राण गोपाल प्रभु कामिनी बाबू का बड़ा आदर करते थे। दोनों एक दूसरे को दादा कह करके पुकारते, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए लीला स्मरण में एक दूसरे का संग करते, दोनों को कभी कभी एक सी लीला के दर्शन होते जिसमें
दोनों एक दूसरे को मंजरी रूप में देखते, दोनों एक दूसरे को पत्र लिख करके उसकी पुष्टि भी करते। भाव कितना एक हो चुका था। सन 1911 में प्रभुपाद वृंदावन आए और वृंदावन में आनंद का उत्सव फूट पड़ा जब वो आए महाराज। भक्तगण उन्हें स्टेशन से 14 खोल करताल के साथ कीर्तन करते हुए गोपीनाथ बाजार से होकर के लेकर चले और फिर उनको ले गए लक्ष्मीकांत कुंज। दूसरे दिन से गोविंद जी के मंदिर में पाठ आरंभ हुआ। पाठ में उस समय के वृंदावन के रस पिपासु सिद्ध महात्मा, जो बहुत दिनों से उनके पाठ की आशा लगाए बैठे थे, वो सब लोग आने लगे। उनमें मुख्य थे श्री राम कृष्ण पंडित बाबा जी महाराज, श्री जगदीश बाबा जी महाराज, श्री माधवदास बाबा, श्री कृष्णदास, राजर्षि बनमाली राय, कामिनी कुमार घोष महाराज, ये सब प्राण गोपाल जी का पाठ सुनने के लिए आने लगे। और प्रभुपाद अपनी कथा में जब ब्रज लीला का वर्णन करते तो ऐसा लगता कि जैसे अप्रकट ब्रज लीला प्रकट हो गई। और उनकी वर्णन परिपाटी की ये विलक्षणता थी, वर्णन करते समय वो अपने भाव को यथासंभव संवरण किए रहते थे, पर श्रोताओं के हृदय को ऐसा उद्वेलित कर देते कि भाव समुद्र में डूबने उतराने लगते। अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भावों की आधी सी चल पड़ती, लोगों की झरझर झरझर आंसू गिरती, कांपने लगते, रोमांचित हो जाते लोग उनका पाठ सुन करके। यहां तक कि लोगों को अपने को संभालना मुश्किल हो जाता था। पर कभी ऐसा भी होता कि प्रभुपाद भाव संवरण की बहुत चेष्टा करने पर भी स्वयं उसमें डूब जाते थे, स्वयं श्रोताओं से क्षमा प्रार्थना करने लगते कि देखो मुझसे पाठ नहीं हो पा रहा, आंसू गिरने लगी, बहुत आवाज मेरी बिगड़ गई, अब मैं बहुत परेशान व्याकुल हो गया हूँ, कैसे पाठ करूं, कैसे आपको सुनाऊं, ऐसे क्षमा मांगकर फिर पाठ बंद कर देते। श्रोता भाव में झूमते झूमते अपने घर चले जाते और प्रभुपाद भी अपने कुंज में जाकर के एकांत में बैठ जाते और मन हंस को ब्रज लीला का चिंतन करते हुए भाव समुद्र में स्वच्छंद विचरण करने को छोड़ देते। एक दिन वे भाव में ऐसे तन्मय हो गए कि सारी रात्रि गोपी गीत के श्लोकों की आवृत्ति करते रहे, बार 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 गोपी गीत के श्लोक बोलते थे, कई बार तो वही श्लोक बोलते जाते थे। प्रभुपाद के दोनों सुयोग्य पुत्र श्री यद गोपाल गोस्वामी और नंद गोपाल गोस्वामी, वो दोनों लोग सारी रात उनका वो प्रलाप सुनते रहे, कभी रोते कभी चिल्लाते, कभी गोपी गीत के श्लोक बोल के पुकार लगाते। और दूसरे दिन प्रातः जब उन्होंने प्रभुपाद से उसके लिए विषय में पूछा तो वे कुछ देर अवाक उनकी ओर देखते रहे, फिर बोले तुम लोग क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब यह हुआ भक्तों कि वो एक भाव की अधिकता की मूर्छा में होते थे, तब स्वाभाविक उनके मुंह से ये सब आवाजें निकलती थीं, प्रभु के विरह में व्याकुल होकर पुकारते थे, उस पुकार में उनके मुख से गोपी गीत के श्लोक निकलने लग जाते थे, जानबूझकर नहीं बोलते थे। वृंदावन से प्रभुपाद परिकरों सहित गए राधा कुंड और ठहरे राजर्षि बनमाली राय बहादुर की राजबाड़ी में। वहां रहते समय वो नित्य सूर्योदय के पूर्व राधा कुंड की परिक्रमा करते, उनके परिकर भी उनके साथ जाते। एक दिन परिकरगण आपस में बातें करते करते पीछे रह गए और प्रभुपाद आगे निकल गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने सुना, बड़ा सुंदर उनका अद्भुत मधुर कंठ,
ओरे आ देख जा, ओरे आ देख जा, प्राण गोपाल गोस्वामी बोल रहे थे। वे भाग करके गए ललन के पास तो देखा कि वे एक स्थान पर मूर्छित पड़े हैं। वे अंधकारमय उस स्थान पर पहुंचे लोग तो एक अनिर्वचनीय नील आलोक से आलोकित और एक अपार्थिव सौरभ से आमोदित, उनकी सुगंध निकल रही थी। कुछ नीलिमा सिर्फ शरीर में दिखी उनको। वो प्रभुपाद को सबने मूर्छित अवस्था में उठा लिया और राजबाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। और बहुत देर बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तो प्रेमानंद में आंसू गिर रही थी और सबकी ओर देखते हुए बोले, बताओ बताओ निष्ठुर अंधकार में मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया। भक्तों, इसका मतलब ये है कि जब उनके पीछे चलने वाले लोग दूर रह गए थे, भगवान की लीला ऐसी हुई थी कि वो लोग तो पीछे बहुत दूर रह गए और अंधेरे में ये भगवान के लिए जब रोने लगे तो भगवान उनके पास आ गए और जब भगवान को देखा तो फिर मूर्छित हो गए। आप जब थोड़ा होश में आए हैं तो भक्तों से पूछ रहे हैं, वो निष्ठुर अंधकार में मुझे अकेला छोड़कर के कहाँ चला गया। परिकरों ने समझा प्रभुपाद की वायु कुपित हो गई। लोगों ने यही समझा कि कोई दिमाग की बीमारी हो गई इनको और वायु नाशक तेल मस्तक पर मलने लगे लोग। पर प्रभुपाद के प्रिय शिष्य राधा कुंड के महंत श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे ये साधारण वायु नहीं, प्रेम वायु है। तुम लोग कुछ न करो, केवल प्रभुपाद को अहर्निश हरिनाम सुनाओ। ऐसा ही किया गया और तब प्रभुपाद प्रकृतिस्थ हुए, नॉर्मल हो गए। उनकी व्याकुलता विरह संतप्त अवस्था वो सब ठीक हो गई। और कुछ ही दिन बाद देशबंधु सी आर दास के भाई और प्रसिद्ध वरिष्ठ पी आर दास के आग्रह पूर्ण निमंत्रण पर प्रभुपाद को जाना पड़ा महाराज पटना। वो पटना गए। पटना में भी उनके आगमन का समाचार प्राप्त होते ही आनंद का उत्सव फूट पड़ा। असंख्य लोग आए स्टेशन पर उनकी अभ्यर्थना करने, जिनमें पी आर दास के अतिरिक्त जिला कमिश्नर श्री भुवन मोहन चट्टोपाध्याय और प्राक्तन जज श्री अमरेंद्र नाथ चटर्जी भी थे। और प्रभुपाद ने स्टेशन पर भीड़ देख करके पी आर दास से पूछा, ये भीड़ कैसा है? तो दास महाशय ने कहा, प्रभु भीड़ आप ही के लिए है। प्राण गोपाल जी तो पहले समझ रहे थे कोई दूसरा कारण होगा भीड़ का, लेकिन बताया गया कि आप आए हैं ना, इसलिए भीड़ है, आपको दर्शन, आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सब इकट्ठे हुए लोग। तो यहाँ के लोग क्या मुझे जानते हैं, ऐसा पूछा उन्होंने। तो दास महाशय ने कहा, यहाँ के लोग ही क्यों, भारत में सभी तो आपको जानते हैं। एक दिन ऐसा होगा जब समग्र विश्व के लोग आपको जानेंगे, उस समय आप रहें या न रहें। ऐसा कहा भक्तों ने महाराज। और पटना में एक महीने तक प्रभुपाद का पाठ चला और पाठ के पूर्व दास साहब ने प्रभुपाद से कहा था, लोग कहते हैं कि भागवत में चीर हरण लीला का प्रश्न अश्लील है, मैं वही अध्याय आपके मुख से विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने उसी अध्याय से पाठ आरंभ किया और उनकी सिद्धांत पूर्ण सरस व्याख्या सुन करके सब लोग ऐसे अभिभूत हुए कि उन्हें दिन रात कथा का नशा चढ़ा रहता था महाराज। और वे अपना सारा काम का छोड़ करके कथा के समय से पूर्व ही कथा के स्थल पर लोग एकत्र होने लगे। कमिश्नर भुवन मोहन चट्टोपाध्याय का दफ्तर धनबाद में था, वे वहां से रोज आ नहीं सकते थे।
इसलिए एक महीने की छुट्टी लेकर पटना में रहे और नित्य पाठ का आस्वादन किया। पाठ सुनते सुनते दास महाशय में ऐसा वैराग्य आया कि एक दिन उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में गिरकर नेत्रों के जल से चरणों को अभिषिक्त करते हुए दीक्षा के लिए प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा दी और युगल विग्रह की सेवा दी। दास महाशय में जो साहबी ठाट बाट से रहते थे और जिन्हें बाबरची का बनाया भोजन ही रोचता था, अब ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे कंठी तिलक धारण करने लगे और अपने हाथ से युगल की सेवा करते और उन्हें भोग लगाकर तब प्रसाद का सात्विक आहार ग्रहण करते थे भक्तों। इस प्रकार से प्रभुपाद प्राण गोपाल जी अपने अनुयायी और बड़े सरस प्रेमी भक्तों पर कृपा कर रहे थे महाराज। आगे इनका चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अब इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे।